सदपात्र कौन? गुरु के वाक्य को आखिरी वाक्य समझकर, जो गुरुदेव ने कह दिया वही हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। जो ऐसा भाव रखकर अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसका 30 सेकंड में कल्याण हो सकता है, मात्र 30 सेकंड में। और जो मनमुखी दीक्षा लेने के बाद भी मन के मुताबिक जिंदगी जीता हो, फिर वो उसके कर्मों के ऊपर ही डिपेंड है। अब ये कहा ना, टोटली सरेंडर कर दोगे तो अद्भुत कृपा होगी, लेकिन अपने मुताबिक जीवन जियोगे तो जो सामान्य सबके ऊपर कृपा है वो तुम्हारे ऊपर भी हो जाएगी, कोई विशेष बात थोड़ी। सामान्य कृपा प्राप्त करनी है कि अद्भुत कृपा प्राप्त करनी है, यह आपको सोचना है, यह आपको सोचना है। महाराज, सुखदेव जी जैसा गुरु मिल जाए तो 30 सेकंड भी पर्याप्त है कल्याण करने के लिए।